बादली में एक बार फिर छाया गुंडों का आतंक। हम आपको बता दें, बादली में एक बार फिर गोलियों की दनादन आवाज सुनने को मिल रही है। बादली में एक युवक के ऊपर फायरिंग की गई है और एक व्यक्ति उसी के बीच में घायल भी हुआ है। घर के बाहर बैठे युवक के ऊपर फायरिंग हुई है। बीच बचाव करने आए एक युवक को भी गोली लगी है और गोली लगने की वजह से वो युवक भी घायल हो गया है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। यार सुबह सपना मिली थी कि बादली में किसी व्यक्ति को गोली मारती है। किसी को नाम पर मौका पहुँचे थे तो एक कोई सोमवीर नाम का लड़का है जिसने कपिल स्नोप इंद्र है उसको गोलियां मार रखी थी। कितने गोली? गोली तो तीन गोलियां लगी हैं उसको। मामला क्या है? कोई रंजिश वगैरह? मामला तो ऐसा हुआ नहीं, इसको कल इसका गाड़ी का ड्राइवर हुआ करता ये। बाकी अभी तफ्तीश करेंगे, पता करेंगे क्या कुछ डिटेल से। प्राथमिक जांच में क्या निकला है? प्राथमिक रात में अभी तो डेड बॉडी को यहाँ रखवाया है, अभी उनकी कंप्लेंट ले रहे हैं घर वालों से। कंप्लेंट के बाद जैसी बात होगी एफआईआर दर्ज के उसके बाद कार्रवाई हमने मिला। कितने लोगों के नाम है? अभी कंप्लेंट मिली नहीं है हमें। अच्छा। कंप्लेंट के वेट में हम आम यहाँ डेड बॉडी यहाँ जेल में रखवा दी है। घायल की भी सूचना है? हाँ, घायल है, करपाल नाम का व्यक्ति है, घायल है, उसके हाथ वगैरह में गोली लगी है। कहाँ पर गोली लगी है? करपाल के हाथ से लगी है गोली। नहीं, कहाँ, कौन सी? इसको पेट में गोली लगी है। उम्र क्या है इसकी? इसकी उम्र है 25-26 के करीब। कहाँ, क्या कर रहे थे सर ये वहाँ पे? ये गली में खड़े थे, अपने मकान के सामने खड़े थे। इनकी कोई पैसों को लिए कोई कास नहीं बता रहे हैं, बाकी अभी तफ्तीश करें क्या कुछ था। नाम क्या है? इंस्पेक्टर तस्वीर है, सबसे बात। ठीक।